हे गाइस इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूटोपिया को यूटोपिया एक बहुत ही फेमस लिटरेरी वर्क है थॉमस मोर का तो इस वीडियो में हम इसे कवर करेंगे पहले हम यूटोपिया के बारे में जानेंगे उसके बाद थॉमस मोर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो बुक है उसकी समरी को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूटोपिया वर्ड की तो जो यूटोपिया वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है बेसिकली जैसे कि यू और टॉपस यू मतलब होता है नो और टॉपस मतलब होता है प्लेस और एक और ग्रीक वर्ड है जो इसी से मिलता जुलता है यू ई यू और टॉपिस जिसका मतलब होता है गुड प्लेस तो इसको कंबाइन करके जो इसका मतलब निकलता है तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा प्लेस जो है ही नहीं पर बहुत ज़्यादा गुड है यूटोपिया मीन्स अ प्लेस वे ईच एंड एवरी थिंग इज़ परफेक्ट वहाँ की गवर्नमेंट परफेक्ट हो वहाँ के सिटीजन वहाँ की सोसाइटी वहाँ का जो रिलीजन है वो हर एक चीज ऐसी परफेक्ट हो पीसफुल हो एक ऐसा प्लेस एक ऐसा आइलैंड और उसे बोला गया है यूटोपिया तो जो यूटोपिया वर्ड है वो फर्स्ट टाइम थॉमस मोर ने ही क्वाइन आउट किया था उनके बाद ही यूटोपिया से बहुत सारे वर्क आ चुके हैं या फिर यूटोपिया को एक आइडियल स्टेट माना जाने लग गया है तो एक प्रॉब्लम ये थी जब ये लिखा गया था ये वर्क लिटरेरी वर्क लिखा गया था कि थॉमस मोर ने ये लिखा क्यों था तो बेसिकली इसके दो ही रीजन हो सकते थे कि ये चाहते थे कि जो इनकी सोसाइटी है बेसिकली जो इंग्लैंड था उस टाइम पे यूरोपियन सोसाइटी जो इंग्लैंड था उसको शायद वो सुधारना चाहते थे या फिर इन्होंने सटायर किया था इंग्लैंड की सोसाइटी पर जो वहाँ पे करप्शन हो रहा था या फिर जो इनडायरेक्ट सटायर कह सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली वो क्रिटिसाइज कर रहे थे यूरोप की जो पॉलिटिकल करप्शन थी या फिर जो रिलीजियस हिपोक्रेसी थी जो लोग दिखावा करते थे जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो कैसी थी किंग्स अच्छे नहीं थे मैनेजमेंट अच्छा नहीं था या फिर जस्टिस कैसा था तो उसके ऊपर सटायर है ये तो बाद में स्कॉलर्स ने इस चीज़ का कंक्लूजन निकाला कि हाँ ये सटायर के लिए लिखा गया था ना कि सोसाइटी को मैंट करने के लिए लिखा गया था यूटोपिया है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था और ये पब्लिश हुआ था फिफ्टीन सिक्सटीन में और ये लैटिन में था नहीं तो शायद ये इंग्लिश का हमारा फेमस वर्क होता लेकिन इसकी नेगेटिव पॉइंट में यही था कि लैटिन में था उस टाइम पर लैटिन सबको आती नहीं थी तो बाद में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया फिफ्टीन में राल्फ रॉबिन्सन ने इसे ट्रांसलेट किया था ये जो वर्क है ये एक फ्रेम नैरेटिव फॉर्म में लिखा गया है फ्रेम नैरेटिव मतलब कि डायलॉग होंगे इसमें नैरेटिव मतलब कन्वर्सेशन होगा कोई पर्सन बोलेगा और वो चाहेगा कि लिसनर्स जो है मेनली जो रीडर्स हैं वो उसे सुने और ये डिपेक्ट करता है एक फिक्शनल आइलैंड को सोसाइटी को उसके रिलीजन को उसके उसके सोशल और पॉलिटिकल कस्टम को कि कोई एक ऐसा आइलैंड जो फिक्शनल है इमेजिनरी है बेसिकली उसको डिपेक्ट करेगा तो अगर मैं थॉमस मोर की बात करूँ तो जो मोर है वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे एक्टिव पर्सन कह सकते हैं वो एक लॉयर थे स्टेट्समैन थे थे फिलोसोफर ऑथर और उन्हें बोला जाता है कि वो प्लेटो थे इंग्लैंड के उस टाइम के क्योंकि वो एक फिलोसोफर थे बहुत अच्छे फिलोसोफर थे मेरी तो ही वाज बोर्न इन लंदन 1478 में इनके जो फादर थे वो अटॉर्नी थे मतलब ये एक अच्छी फैमिली में बड़े बॉर्न हुए थे और ये बचपन से ही रोमन कैथोलिक की तरह इन्हें रेस किया गया था जब मेरे लिए एक चाइल्ड थे एक बॉय थे इन्हें पेज ऑफ जॉन मॉर्टन आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी बना दिया गया जो कि उस टाइम पे एक अच्छी पोस्ट हुआ करती थी उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड चले गए जहां पर इन्होंने अपनी क्लासिकल ग्रीक को पढ़ा बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ा और लैटिन लैंग्वेज को सीखा लैटिन इनकी टंग नहीं थी मदर टंग नहीं थी नेटिव टंग नहीं थी वहां पर ये दो साल तक इन्होंने पढ़ाई करी उसके बाद ये दोबारा से लंदन आ गए और लिंकन्स इन में जो लॉ कॉलेज था उसमें एडमिशन ले लिया जैसे कि मैंने पहले ही बोला था ये एक अच्छे लॉयर थे तो ये एक अच्छे लॉयर बन गए फिर वहाँ से इनकी जो फ्रेंडशिप थी एक डच फिलासफर थे जिनका नाम इरासमिस है उनके साथ इसकी इनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी और इरासमिस का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है 1504 में जो मोर थे वो पार्लियामेंट में एंट्री कर गए क्योंकि ये एक अच्छी फैमिली से थे क्योंकि इनकी फैमिली भी अच्छी थी ये रोमन कैथोलिक थे मेनली तो उस टाइम पर इन्होंने पार्लियामेंट में एंट्री करी उस टाइम पर जो हैरी द सेवन थे वो किंग थे इंग्लैंड के उनके साथ इनके कुछ डिस्प्यूट हो गए थे और जब द दैवन्थ की डेथ हो गई और हैंनरी द एथ जो थे वो इंग्लैंड के किंग बन गए तो उनके उनके राजा बनने से उनके किंग बनने से जो मोर का सिचुएशन थी जो उनकी पोजीशन थी स्टेटस था वो भी राइज हो गया 1521 में वो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन बन गए जो उस टाइम पे पार्लियामेंट जो थी वो दो दो हाउसेज में हुआ करती थी हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन तो ये हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर भी बन गए थे और ये वही टाइम था जब मार्टिन लूथर किंग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग बेसिकली वो प्रोटेस्टेंट थे और उस टाइम पे उनके वर्क जो थे वो रोमन कैथोलिसिज्म के, के अगेंस्ट में थे बेसिकली तो जो सिक्सटीन सेंचुरी थी उसमें बहुत ज्यादा रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं इंग्लैंड में और अगर मैं बात करूँ यूटोपिया के बाद तो बहुत ज्यादा भी हुए थे तो दो तरीके से लोगों के बीच में डिस्प्यूट होने लग गए थे कुछ थे जो रोमन कैथोलिकिज्म को अपना रहे थे जो वहाँ से पहले से चला आ रहा था तो वो सोचते थे कि जो गाइडेंस मिलती है वो जो कोई भी रिलीजियस चीज़ों के लिए गाइडेंस देगा वो पोप देंगे जो रोम के पोप हैं जो हेड ऑफ द चर्च है पोप देंगे लेकिन जो प्रोटेस्ट प्रोटेस्टेंट थे वो चाहते थे या फिर उनका जो क्राइटेरिया था उन्हें लगता था कि जो गाइडेंस है वो डायरेक्टली बाइबल से लेंगे पोप भी बाइबल से ही सीख रहे हैं तो हमें सीधे बाइबल से ही डायरेक्टली गाइडेंस लेनी चाहिए तो मोर एक रोमन कैथोलिक थे द कैथोलिक थे तो दोनों ने मिलकर जो मार्टिन लूथर है उनके बहुत सारे वर्क को अपोज किया था 1527 में मोर और हैनरी द एथ जो थे दोनों के रिलेशन खराब होने लग गए क्योंकि जो हैनरी द एथ थे उनकी जो वाइफ थी उस टाइम की प्रेजेंट वाइफ थी जो क्वीन थी कैथरीन ऑफ एरगन उनको मेल नहीं हो रहा था मेल सन नहीं हो रहा था और उस टाइम पे जरूरी था कि एक मेल सक्सेसर हो तो जो हैनरी थे वो चाहते थे कि वो कैथरीन ऑफ आर्गन को डिवोर्स दे दें और एन बोलेन से शादी कर लें उस टाइम पे लेकिन जो रोमन कैथोलिकिज्म था वो डिवोर्स को अलाउ नहीं करता था और इसीलिए हैनरी द एथ और मोर के बीच में डिस्प्यूट होने लग गए चर्च के बीच में डिस्प्यूट होने लग गए और लास्ट में जो हैनरी द एट है उन्होंने अपना अलग से जो चर्च है कर लिया चर्च ऑफ इंग्लैंड और उन्होंने एक एक्ट एक 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 निकाल दिया एक्ट ऑफ सुपर जिसमें बोला गया था कि जो किंग होगा इंग्लैंड का वही जो इंग्लैंड का चर्च है उसका भी किंग होगा मतलब जो सुप्रीमेसी होगी होगी वो किंग की ना कि पोप की होगी और जब मोर ने इस पे साइन करने से मना कर दिया था तो उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था बेसिकली उन्हें पहले टावर ऑफ लंडन में इम्प्रिजन किया था और फिफ्टीन थर्टी फाइव में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था बिहेडिट कर दिया गया था तो जो यूटोपिया है वो दो सेक्शंस में डिवाइड है जैसे कि सिक्स six... जो सिक्सटीन सेंचुरी थी उस टाइम का एक कस्टम था कि जो बुक्स हैं अगर वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं अगर सेक्शंस होते हैं तो उन्हें बुक बोला जाता है इसीलिए इसमें बुक वन और बुक टू बोला गया है तो जो बुक वन है वो स्टार्ट होती है ऐसे कि इसमें जो कैरेक्टर्स है पहले वो देखते हैं थॉमस मोर इन्होंने अपना कैरेक्टर खुद भी डाला है इसमें उसके बाद पीटर गायल्स है जो पीटर गायल्स हैं वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर थे वो रियल में एग्जिस्ट करते थे और जो थॉमस मोर है वो पीटर गायल्स से ही मिलने फ्लैंडर गए थे जो अभी हम जिसे बेल्जियम बोलते हैं थर्ड कैरेक्टर है रफाइल हैथलोडे हैथलोडे जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं वो रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते हैं और हैथलोडे का क्लेम है वो कहते हैं कि वो एमेरेगो वेस्ट पीसी के साथ न्यू फाउंडलैंड तक तो घूम कर आए हैं एमेरेगो वेस्ट पी जो है वो एक रियल लाइफ ट्रेवलर थे वो रियल में एग्जिस्ट करते थे तो ये मेन कैरेक्टर है तो फर्स्ट बुक स्टार्ट होती है जो थॉमस मोर है वो किंग हैं द एट जो है उनके एज अ मैसेंजर बनकर गए हैं फ्लैंडर्स में और फ्लैंडर्स में जाकर वो पीटर गायल्स से मिलते हैं जो पीटर गायल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव पर्सन है उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो एक दिन जब वो यहाँ से लौट रहे होते हैं वहाँ पर एक चर्च है चर्च ऑफ नॉट्रे डैम जो कि लोग बहुत ज़्यादा उस चर्च में जाते हैं तो मोर है वहाँ से लौट रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जो पीटर गायल्स है वो किसी से बात कर रहे हैं यहाँ पे बोला गया है जो पीटर गाइल्स हैं वो एक ह्यूमेनिस्ट हैं और मैं बता दूं कि जो थॉमस मोर थे वो भी एक ह्यूमेनिस्ट थे जो ह्यूमेनिज्म का मूवमेंट चला था सिक्सटीन सेंचुरी में वो उसमें थे तो ह्यूमेनिज्म बेसिकली बात करता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है जो गवर्नेंस होगी वो कैसी होगी ह्यूमेनिज्म फोकस करता है कि जो गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स होंगे वो इस तरीके से बनाए जाए कि सिटीजन जो है उसे बेनिफिट हो उनके अकॉर्डिंग बनाए जाए लॉ जो है वो उनके लिए बने तो इसमें बोला गया है जो पीटर गायल्स है वो एक ह्यूमेनिस्ट है और जो सिटी है वहाँ के वहाँ के ऑफिशियल भी हैं तो जब वो जब वहाँ से निकल रहे होते हैं मोर जब चर्च से निकल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि पीटर गायल किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और वो सोचता है जो मोर है वो सोचते हैं कि वो जो पर्सन सामने है जिसकी बियर्ड है बड़ी बड़ी और उसकी जो स्किन है थोड़ी सी जल रखी है तो इसलिए शायद कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है और यहाँ पर जो पीटर गाइल्स हैं वो उसे इन्फॉर्म करते हैं मोर को बताते हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन ये सामने वाला पर्सन मतलब कि रफाइल हेथलोडे तुम्हें दे सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन शायद कोई और पर्सन नहीं दे सकता है क्योंकि जो रफाइल हेथलोडे है उसने बहुत ज्यादा अननोन जो प्लेस होते हैं उस पर विजिट किया है वो बहुत ज्यादा जगह घूम चुका है और फिर वो उसे हैथलोडे को लेकर थॉमस मोर के घर पर भी आते हैं और यहाँ से जो डिस्कशन है बेसिकली बोला गया डायलॉग जैसे कि नैरेटिव फॉर्म में लिखी गई है तो यहाँ से डायलॉग स्टार्ट होते हैं तो जो हैथलोडे है वो मेनली क्लेम करता है कि उसने अमेरीगो वेस के साथ न्यू फाउंड लैंड तक वो घूम आया है और उसके बाद जो अमेरिगो थे वो आगे जाना चाहते थे और जो हैथलोडे थे वो चाहते थे कि वो एक नया लैंड को डिस्कवर करें और वो इसीलिए वहाँ से उन दोनों के जो रास्ते थे वो अलग हो गए अब वो बताते हैं यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जो रफेल हैथलोडे है उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी है वो इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुका है जैसे कि यूलिसिस ने की थी और उसे बोला गया है कि उसकी जो नॉलेज है वो यूलिसिस की तरह ही है वो भी इतना ही जैसे जो घर पे बोर होते हैं वो तो जो हैथलोडे है वो एक रिच पर्सन था वो एक पुर्तगाजी थे बाय बर्थ से और उनकी जितनी भी मनी थी उन्होंने अपने जो ब्रदर्स थे फैमिली रिलेटिव थे उनमें बांट दी थी, थी और उसके बाद वो एक व्योजर बन गए थे जो हमेशा मेनली किसी न किसी ट्रिप पर रहते हैं मेनली समुद्र में तो अब वो अपनी कहानी को बताते हैं कि जब वो यहाँ से वहाँ घूम रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे नॉन क्रिश्चियन प्लेस देखे हैं जो कि क्रिश्चियन यूरोप से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं यहाँ पर यूरोप की बात हो रही है वहाँ पर उस टाइम पर रोमन कैथोलिसिज़म था तो हो सकता है मोर उस टाइम के कैथोलिसिज़म को टारगेट कर रहे थे उन्हों वो बोलते हैं रफाइल कि नॉन क्रिश्चियन प्लेस की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये जो यूरोप है वो इसीलिए फेलियर है क्योंकि यहाँ पर कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा होते हैं यूरोप में जो लोग हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो पैरासाइट की तरह दूसरों के लेबर के ऊपर जिंदा रहते हैं कोई काम कोई और करता है लेकिन उसका बेनिफिट किसी और को मिलता है जो किंग्स है वो वॉर मोंगर है वॉर मोंगर मतलब जिसे सिर्फ वॉर से मतलब है और कि वो और वॉर करे और ज्यादा युद्ध करे क्योंकि वो अपनी पावर को से बढ़ा सकता है अपनी पावर को अपने एरिया को मेनली तो हैथलोडे बोलते हैं कि यहाँ के यूरोप के जो किंग हैं जो इंग्लैंड के जो किंग हैं वो हमेशा वॉर के चक्कर में रहते हैं ताकि वो अपनी सुपीरियरिटी को दिखा सकें और बेचारे जो पुअर पीपल हैं जो वहाँ के सिटीज़न हैं उनके ऊपर सही से वर्क नहीं करता है तो ये कहते हैं कि यहाँ के जो फार्मलैंड हैं जो यूरोप के जो फार्मलैंड हैं वो पेश्चर बन गए हैं यहाँ पर जो पहले खेती हो सकती थी लेकिन अब वो एक सिर्फ खाली मैदान बन गए हैं क्योंकि लोग इतने ज्यादा यूजलेस हो गए हैं वो काम ही नहीं करना चाहते यहां पे बहुत सारे थीव्स हो गए हैं अब थीव्स हो गए हैं तो थीव्स को पनिशमेंट देने से क्या होगा चोर को पनिशमेंट देने से कुछ नहीं होगा क्योंकि चोर बना क्यों है क्योंकि उसके पास अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कोई काम नहीं था तो ये सारी जो रीजंस हैं ये किसकी वजह से हैं ये सारे किंग की वजह से हैं उसका जो मैनेजमेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा है और यहाँ पर वो बताते हैं कि जैसे कि यूरोप में हेथलोडो बताते हैं कि जो यूरोप है यहाँ पर जो लोगों को छोटे छोटे क्राइम के लिए सीधे डेथ सेंटेंस मिलता है बाहर ऐसा नहीं है नॉन क्रिश्चियन जहां की ये बात करें कॉमनवेल्थ की मिली यूटोपिया की ये कहते हैं कि यूटोपिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोई क्राइम किया और उन्हें सीधे डेथ सेंटेंस दिया जाता है क्योंकि डेथ सेंटेंस बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और डेथ सेंटेंस सिर्फ गॉड दे सकते हैं और किसी के पास ये राइट्स नहीं है अब इनके पास इतनी नॉलेज है तो जो पीटर गाइल्स हैं और जो थॉमस मोर हैं वो वो इन्हें बोलते हैं हेथलोडे को कि तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है तुम एक अच्छे फिलोसोफर हो तो तुम्हें किसी ना किसी किंग की एडवाइजरी में होना चाहिए था उसका उसका जो काउंसलर है उसमें होना चाहिए था तो यहाँ पर हैथलोडे है वो मना कर देते हैं वो कहते हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो किंग से दूर रहना चाहते हैं जो किंग है मेनली वो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं किंग एक अच्छी एडवाइस सुनता ही नहीं है यहाँ पे यूरोप में जो किंग है वो अच्छी एडवाइस सुनते ही नहीं है उन्हें सिर्फ फ्लैटरस चाहिए जो हमेशा उनकी तारीफ करते रहे तारीफ करते रहे और अगर एक अच्छा पर्सन कोई अच्छा फिलासफर ऐसी काउंसिल में होगा तो वो भी करप्ट ही समझा जाएगा क्योंकि उसकी जो एडवाइस है उसे कोई सुनेगा नहीं और जो फ्लैटर्स हैं उन्हीं की एडवाइस को सुना जाता है तो वो कहते हैं कि अगर वो इस तरीके से बोलें तो वो किंग को बोलेंगे कि वो सब वॉर मॉन्गर हैं वो अपने जो लैंड है उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना कि इस चीज की कि जितना लैंड उनके पास है इस टाइम पे उसे प्रेजेंट टाइम पे अच्छे से पीसफुली वाइजली उस पर अच्छे से रूल करें अपने लोगों को खुश रखें तो ये सारी चीजें वहां की वो एविल्स को दिखा रहे हैं कि जो किंग है वो कैसे है काउंसिल कैसी है जो लोग हैं वो फ्लैटरस हैं और आगे वो फिर से बोलते हैं कि जो मोर है और जो पीटर गायल्स है वो इंसिस्ट करते हैं कि उनकी नॉलेज है तो उन्हें वहां पे होना ही चाहिए तो और हेथलोडे मना कर देते हैं ये बोलकर कि अगर मैं किसी फ्रेंच जो किंग है उसके पास जाऊं और उसे बोलूं कि वो वॉर मॉन्गर है तो क्या कोई उनकी बात सुनेगा कोई नहीं सुनेगा लेकिन दो फिलासफर आपस में बैठ के इस तरीके से बात कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर करें तो जो फर्स्ट बुक है बेसिकली यहाँ पर ख़त्म होती है और जो सेकंड बुक है सेकंड बुक स्टार्ट होगी डिस्क्रिप्शन से जो यूटोपिया है उसके डिस्क्रिप्शन से फर्स्ट बुक में थोड़े बहुत कन्वर्सेशन हैं जैसे कि थॉमस मोर के पीटर गाइल्स के और हेथलॉडे के बीच में कन्वर्सेशन दिखा डायलॉग दिखा रखे हैं लेकिन जो सेकेंड बुक है वो डायलॉग कम है और डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है वो ऐसे दिखाया गया है कि जो हैथलोडे है वो उसका एक भाषण है वो एक भाषण सा दे रहा है यूटोपिया के बारे में मेनली जो कॉमनवेल्थ थे उसने देखा है एक ऐसा लैंड तो वो उसके बारे में बताता है यहाँ पे बोला गया है कि कम्युनिज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो जो हैथलोडे हैं वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है यूटोपिया जो है वहाँ पर कम्युनिज्म है वहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है सब कुछ पब्लिक है और वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं और सेकंड बुक स्टार्ट होती है इसी चीज़ से तो जो सेकंड बुक है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जैसे कि चैप्टर नंबर वन है वो जियोग्राफी को दिखाता है इसके स्टार्ट में ही सेकेंड बुक के स्टार्ट में ही जो थॉमस मोर है उन्होंने दिखाया है डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दिया है कुछ मैप्स दिखाए हैं या फिर कुछ पोइट्रीज दिखाई हैं जो यूटोपियन जो लोग हैं उनकी हैं तो ये इसलिए दिखाई गई है ताकि जो लोग हैं वो कंफर्म कर ले जो रीडर है मेनली उन्हें यकीन होने लगे कि यूटोपिया सच में कोई लैंड है लेकिन ऐसा कोई लैंड था नहीं तो इसकी ज्योग्राफी बताई गई है इस तरीके से कि जो उसका टोटल एरिया है यूटोपिया का वो टू हंड्रेड माइल्स का है यहाँ पर ट्वेंटी फोर सिटीज हैं यूटोपिया में और हर एक सिटी जो है उसकी जो डायमीटर है वो ट्वेंटी मील्स की है पर एक किंग थे जिन्होंने पहले सबसे पहले उस आइलैंड को देखा था उनका नाम सर यूटोपस था जो सर यूटोपस थे किंग यूटोपस थे उन्होंने अपने लोगों से अपनी सेना से सेवनटीन माइल की एक चैनल खुदवा ली क्योंकि जो पहले एरिया यूटोपिया है वो पेन से जुड़ा हुआ था तो उन्होंने एक चैनल खुदवाया और उसके बाद जो यूटोपिया है उसे सेपरेट कर दिया अब जो यूटोपिया है वो एक पर्सनल इंडिपेंडेंट फ्री एक आइलैंड बन गया और ये बिल्कुल एक न्यू मून की तरह दिखता है जैसे कि रिसेंट मून होता है उसकी शेप में दिखता है यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम एनिडर है यहाँ और जो जिसकी शेप है वो बिल्कुल न्यू मून की तरह है जो सेकेंड चैप्टर है बेसिकली वो दिखाता है यूटोपिया की जो सिटीज हैं उसके है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो यूटोपिया है उसकी कैपिटल सिटी है एमेरॉट और यहाँ पर जो फोर्टिफिकेशन है जो किलेबंदी की जाती है वो कैसी है जो हर एक सिटी है उसकी किलेबंदी कर रखी है फोर्टिफिकेशन है ट्वेंटी मीटर हाई वॉल बनाई गई है ताकि कोई भी उस पर अटैक ना कर सके यूटोपिया की सिटी पर अटैक ना कर सके हर एक सिटी में बहुत सारे टावर्स हैं फोर्टिफिकेशन है और जो हाउसेज हैं यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो थ्री स्टोरी घर है और दो डोर है हर एक घर में जितने भी घर हैं सबकी जो सिचुएशन uh, है या फिर जितनी भी उनके स्ट्रक्चर है सब कुछ सेम है और हर दस साल पे ये जो घर हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं दो डोर हैं लेकिन किसी भी डोर पर यहाँ पर ताला नहीं होता है लॉक नहीं होता है फ्रंट डोर जो है वो स्ट्रीट से कनेक्ट होता है बैक डोर जो है हर एक डोर से बैक डोर पे एक गार्डन बना हुआ है यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक जैसे ड्रेस पहनते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है इसीलिए कोई अमीर और गरीब नहीं है सबके बीच में बिल्कुल इक्वल है जैसे कि कम्युनिज्म बात करता है कि किसी के पास कुछ ना हो सब इक्वल हो सब कुछ लोगों का हो चैप्टर नंबर थ्री है इसमें बताया गया है डिस्क्रिप्शन दे रखा है जस्टिस और मजिस्ट्रेट का जो यूटोपिया में है तो जस्टिस में बोला गया है कि यहाँ पर छोटे छोटे क्राइम्स के लिए जैसे कि स्टीलिंग के लिए थीफ के लिए यहाँ पर डेथ सेंटेंस नहीं देते किसी को लोगों को स्लेव बना लिया जाता है जो स्लेव होते हैं उनसे फिर यहाँ पे काम करवाया जाता है और जो नॉन यूटोपियन है नॉन यूटोपियन वो है जो कि किसी न किसी युद्ध में बंदी बनाए गए हैं वॉर में बंदी बनाए गए थे तो उनको भी स्लेव बना लिया जाता है उनसे काम करवाया जाता है और यहाँ पर बताया है कि जो डेथ सेंटेंस है वो सिर्फ एक चीज के लिए जा, दिया जाता है और वो है अडल्ट्री जैसे कि शादीशुदा होने के बाद भी एक्स्ट्रा अमेरिटल अफेयर होना अगर किसी पर्सन को एक बार अडल्ट्री में पकड़ा जाता है तो उसे स्लीव बना लिया जाता है और अगर वो पर्सन फिर से वही गलती करता है तो तब उसे डेथ सेंटेंस दिया जाता है और यहाँ पर मजिस्ट्रेट कैसे होते हैं जो लोग को वो गवर्न करते हैं यहाँ पर इलेक्शन होता है लोगों की सहमति से एक मैनेजर होता है वो बनता है मजिस्ट्रेट बनता है और ऐसा नहीं है कि जो मजिस्ट्रेट है वो हमेशा मजिस्ट्रेट ही रहेगा उसकी पोजिशन भी बदलती रहती है चेंजेबल होता है वो चैप्टर नंबर फोर जो है वो डिस्क्रिप्शन देता है लाइफ और ट्रेड का यूटोपियन लाइफ और ट्रेड का कि वहां के जो लोग हैं वो सिक्स आर्ट तक उनका जो काम करने का वर्क है वो टाइम पीरियड है वो कंपलसरी है छः घंटे तक तो काम करना ही पड़ेगा उससे ज़्यादा करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी होती है फार्म लैंड पर काम करना ज़रूरी है कि कोई भी है वो कुछ भी काम करते हैं लेकिन फार्म लैंड खेती करना ज़रूरी है कल्टिवेट करना ज़रूरी है बोला गया है यहाँ के जो लोग हैं उनके पास फ्री का टाइम नहीं है वो अपना टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं कि वो घास पर लेट जाएं और बादलों में शेप्स को देखें वो कुछ ना कुछ कल्टिवेटिव सोचते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं वो रात में आठ बजे सो जाते हैं सुबह चार बजे उठ जाते हैं पब्लिक लेक्चर्स होते हैं यहाँ पर जिसे भी नॉलेज लेनी है क्लास लेनी है पब्लिक लेक्चर होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं लेक्चर को अटेंड करते हैं यहाँ पर गैम्बलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है लोग गैम्बलिंग नहीं करते हैं यहाँ पर लोग जो अपना टाइम पास है वो चेस के थ्रू करते हैं वो चेस खेलते हैं फिर इसमें बताया गया है कि जो ब्रेड है जो फूड है वो किसे मिलेगा सबसे पहले जो सिख लोग हैं सबसे पहले उन्हें मिलेगा फूड अगर फूड की शॉर्टेज हो जाती है जो खाना है वो पब्लिकली खाया जाता है प्राइवेट में कोई खाना नहीं खाता है जो प्राइवेट में खाना खाता है उसे सस्पिशियस नजर से देखा जाता है उस पर शक किया जाता है यहाँ पर मनी नहीं है और गोल्ड और सिल्वर जैसी चीजों को ये लोग जो है यूटोपियंस जो है वो यूजलेस समझते हैं यहाँ पर प्राइवेट मीटिंग अलाउ बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं पे अकेले में बैठकर सीक्रेट मीटिंग नहीं कर सकते हैं पब्लिकली आपको जो प्रॉब्लम है पब्लिकली आओ सॉर्ट आउट करो और उसके बाद जाओ चैप्टर नंबर फाइव है ये डील करता है फैमिली और पॉपुलेशन से तो इस चैप्टर में बताया गया है कि हर एक सिटी जो है उसकी जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम सिक्स थाउजेंड होगी एक फैमिली में मिनिमम दस लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम सिक्सटीन लोग हो सकते हैं और जो मेल चाइल्ड है उसकी देखभाल उसके जो ग्रैंड फादर है मेली ग्रैंड फादर की बात करी गई है मेल जो सक्सेसर है उनकी जो परवरिश है वो वही करेंगे और जो पॉपुलेशन जब यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है किसी भी सिटी की तो जो किंग है यूटोपस है या फिर जो मैनेज यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो आसपास के जो खाली वैकेंट प्लेस है खाली जो जगह है लैंड है उन पर कब्जा कर लेते हैं ऐसी जगह पर वॉर नहीं करते हैं जहां पर लोग रहते हैं बल्कि जो खाली जगह होती है उन पर कब्जा कर लेते हैं ताकि जो इनके लोग हैं इनकी जो सिटीजन हैं इनके वो अच्छे से रह सकें चैप्टर नंबर सिक्स है वो डिटेल देता है ट्रैवलिंग की यूटोपियन पीपल की जो ट्रैवलिंग है उसके बारे में कि यहाँ पर ट्रैवल करना अलाव है एक सिटी से दूसरी सिटी में आप जा सकते हो ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे फिफ्टी फोर सिटीज है लेकिन इसको करने के लिए एक सिटी से जाने के लिए वापस आने के लिए या फिर ट्रेवल करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी है बिना परमिशन के आप यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी चैप्टर सेवन जो है वो डील करता है मैरिज से कि मैरिज कैसी होगी तो इसमें बताया गया है कि मेल और फीमेल जो है वो एक दूसरे को शो अप किए जाते हैं पहले और जो मोर है यहाँ पर बोलते हैं कि जो आइडल एज है मैरिज की वो कितनी होनी चाहिए वो बताते हैं कि जो लड़कियों की एज है वो एटीन होनी चाहिए और बॉयज़ की जो है वो ट्वेंटी होनी चाहिए और यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो बुक है ये फिफ्टीन सिक्सटीन में पब्लिश हुई थी उस टाइम पीरियड पे और ये जो एज का इन्होंने टाइम पीरियड बताया है एटीन और ट्वेंटी वन ये हम आज फॉलो करते हैं तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि एक अच्छे फिलासफर थे कि उन्होंने उस टाइम पे इतने सालों बाद तक की चीजें सोची हुई थी अब जो चैप्टर एट है वो डिस्क्रिप्शन देता है मिलिट्री और वॉर के बारे में कि जो यूटोपिया है वहाँ पर बहुत ज्यादा पीस है वहां पर ब्लड शेड बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अगर कोई उन पर अटैक करता है तो ये फाइट बैक करते हैं इनके जो मेल है जो चिल्ड्रन है वो सब वॉर में जाते हैं जो वुमेन है वो उन्हें एनकरेज करती है और इनका मानना है कि किसी भी बैटल में अगर आप जाते हैं वॉर में जाते हैं तो किंग को मारना बेटर है इसके बजाय कि उसकी पूरी आर्मी को मार दिया जाए एक पूरी आर्मी को मारने से अच्छा है कि आप सिर्फ किंग को मार दो और उस युद्ध को जो बैटल है उसे जीत लो चैप्टर नाइन है वो दिखाता है रिलीजन के बारे में इनके जो जो यूटोपियन है उनका रिलीजन क्या है तो यहाँ पे बोला गया है मोर बताते हैं कि उनका कोई रिलीजन नहीं है वो क्रिश्चियनिटी को प्रेज नहीं करते हैं क्रिश्चियनिटी की पूजा नहीं करते हैं वर्शिप नहीं करते हैं वो अपने गॉड्स की वर्शिप करते हैं जैसे कि प्लानट है मून है सन है इन सब की और उन्हें लगता है कि एक सुप्रीम गॉड है जो हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं और यहाँ पर जो हैथलोडे है उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो ख़त्म होता है यूटोपिया के बारे में बीच में जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो हैथलोडे हैं वो खुद बता रहे हैं लेकिन ये वर्ड्स जो हैं वो थॉमस मोर के ही हैं क्योंकि बुक तो थॉमस मोर की ही लिखी है